नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़मी जॉब्स अपडेट में। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आज़मी जॉब अपडेट। तो दोस्तों, यहां पे जॉब के रिलेटेड मैं डेली वीडियो डालता रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और यहाँ से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो चलते हैं आज की रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ओमान के लिए है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर्ड फॉर ओमान अल तस्नीम कंपनी का, ये अल तुर्की का। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जो है 1 सितंबर को जमशेदपुर में होगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इनका दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैटेगरी जो है, कैटेगरी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन चाहिए 15, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए 15, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक चाहिए 12, हैवी व्हीकल मैकेनिक चाहिए 10, डीजल इंजन मैकेनिक चाहिए 15, टायर मैन 15, ठीक है। सैलरी जो है वो 150 से 200 ओमानी रियाल अपॉन द एक्सपीरियंस ये लोग देंगे, ठीक है। फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री मेडिकल है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। ड्यूटी जो है 8 घंटे की है प्लस ओवर टाइम है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें अप्लाई करने के लिए। फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, एवरी थिंग, ठीक है। सो काइंडली सबमिट योर अपडेट CV और इंडियन पासपोर्ट इन आवर ऑफिस इन इमीडिएटली अल दुर्वेज, ठीक है। मैन पावर कंसल्टेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टेस्ट सेंटर, यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। जल्द से जल्द आप लोग ऑफिस पे पहुँचिए डॉक्यूमेंट के साथ। और कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग किस टाइम पहुँचेंगे ये भी आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों, दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो सऊदी अरब के लिए है, ये भी बल्क में है, ठीक है। तो अल मजाल सऊदी अरब मक्का मदीना मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। मक्का और मदीना का प्रोजेक्ट है। तो व्हाट्सएप नंबर इनका दिया हुआ है। हरम शरीफ ओनली मुस्लिम कैंडिडेट ही सिर्फ इनको चाहिए, ठीक है। तो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जो है फेस टू फेस इन जमशेदपुर में, इसका भी इंटरव्यू होगा 4 सितंबर को, ठीक है। अभी भी टाइम है बहुत। वीज़ा रेडी है, फ्लाइट विद इन 15 डेज। तो कैटेगरी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। पंप टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी और क्वांटिटी आगे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, जनरल मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर पंप टेक्नीशियन चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए, हैवी इक्विपमेंट टेक्नीशियन मैकेनिक चाहिए, जनरेटर ऑपरेटर चाहिए, सीनियर AC रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन चाहिए, वाटर कूलर टेक्नीशियन चाहिए, चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, चिल्लर ऑपरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन चाहिए, सेफ्टी टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर एस्केलेटर व एलिवेटर टेक्नीशियन चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, UPS इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन चाहिए, BMS टेक्नीशियन चाहिए, लो वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल रिले टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल UPS टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर कंट्रोल पैनल टेक्नीशियन चाहिए, मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जनरेटर इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए, मैन लिफ्ट टेक्नीशियन चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए, स्टेरिलाइजेशन टेक्नीशियन चाहिए, टेलीफोन नेटवर्क टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल है, बस 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम कंपलसरी है, ठीक है। एज जो है वो 22 से 45 ईयर होनी चाहिए, चलेगा, ठीक है। नीट डिप्लोमा ITI विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस। तो यहाँ पे ऑफिस है अल दुर्वेश ऑफिस है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मेल ID दी है, आप लोग वहाँ से जो भी क्वारी करनी है आप लोग बिंदास क्वारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। तो तीसरी रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों, वो अबू धाबी के लिए है, अर्जेंट में है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर लीडिंग टेलीकॉम कंपनी, ये टेलीकॉम कंपनी है। ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो कैटेगरी बाई है, कैटेगरी क्या है इसमें देख लेते हैं। सिविल इंजीनियर चाहिए, एस्टीमेशन एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 5 बंदे। और सिविल इंजीनियर चाहिए एक्सपीरियंस इन SHD
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग वर्क, ठीक है। तीसरा जो है वो नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। चौथा जो है एचवीएसी चिलर टेक्नीशियन चाहिए। पांचवा जो है एचवीएसी कंप्रेसर ओवर हॉल टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। एलिजिबल बी टेस्ट बी ए मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी नगोशियेबल है। इंटरव्यू इंटरव्यू अगर हो गया एक्सपीरियंस के एज ए एक्सपीरियंस पे वो लोग सैलरी डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन फॉरवर्डेड सी वी टू मेल आईडी दी हुई है यहाँ पे, आप अपनी सी वी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कोई अगर क्वेरी करनी है तो ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कोई भी क्वेरी करनी है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट जो है वो कुवैत के लिए है, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू जो है चेन्नई में 1 और 2 सितंबर को होगा। एक्सपीरियंस जो चाहिए इसमें रेफिनरी पेट्रोकेमिकल एंड स्टील प्लांट विद गल्फ एक्सपीरियंस मैंडेटरी, ठीक है। तो जिनको गल्फ का एक्सपीरियंस है इस लाइन में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। स्टील इंजीनियर चाहिए 800 KD, पाइपिंग इंजीनियर चाहिए 800 KD, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर चाहिए 800 KD, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चाहिए 800 KD, मटेरियल इंजीनियर चाहिए 800 KD। इसमें जो है 6 से 8 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड रिफिनरी पेट्रोकेमिकल स्टील प्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्टील उसके बाद चाहिए जो स्टील सुपरवाइज़र चाहिए, पाइपिंग सुपरवाइज़र चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइज़र चाहिए, मटेरियल सुपरवाइज़र चाहिए, स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है। इसमें भी कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। उसके बाद जो जनरल फोरमैन चाहिए, स्टील फोरमैन चाहिए, स्काफ फोल्डिंग फोरमैन चाहिए, पाइपिंग फोरमैन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन फोरमैन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फोरमैन चाहिए। तो इसमें जो 5+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट इफ़ नो क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो 15 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, ठीक है। तो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो एडमिन असिस्टेंट चाहिए, इक्विपमेंट कोऑर्डिनेटर चाहिए, ब्लास्टर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, केबल ट्रे चाहिए। इसमें देखिए हर ट्रेड की इसमें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कंडक्ट फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जनरल फिटर चाहिए, और ग्राइंडर चाहिए, जीआरपी बॉन्डर चाहिए, हेल्पर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, मैन लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, पेंटर चाहिए, पाइपिंग फैब्रिकेटर चाहिए, रीगर चाहिए, स्काफ फोल्डर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, स्ट्रक्चुअल फैब्रिकेटर चाहिए, स्ट्रक्चुअल वेल्डर चाहिए, सूअर वीवर चाहिए, और TIG एंड ARC वेल्डर चाहिए, ट्यूब फीटर चाहिए, हैवी ड्राइवर चाहिए, लाइट ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। फ्री फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदर बेनिफिट एज पर द कुवैत लेबर लॉ, ठीक है। ये समझ लीजिए बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ फ्री में ये दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ, मोबाइल नंबर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह PDF फाइल बना के मेल पे सेंड करिए और क्वेरी करिए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको ज़रूर कॉल आएगी। तो दोस्तों आज की यही रिक्वायरमेंट थी, सॉरी इसमें जो चाहिए वो ओनली केरला एंड तमिलनाडु कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यही रिक्वायरमेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ हर ट्रेड की जॉब को टारगेट करने की, तो जितना हो सकता मैं करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा वो मिलता है कि हाँ मतलब पब्लिक हमारी वीडियो को पसंद कर रही है, हमें और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली रिक्वायरमेंट में कल के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।